हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि Realme ने लॉन्च कर दिया है अपना एंट्री लेवल स्मार्टफोन Realme C11। इस वीडियो में बात करेंगे Realme C11 के प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, क्योंकि एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन है तो Realme ने इसका प्राइस रखा है 7,499 रुपये, विच इज़ क्वाइट नाइस। ओवरऑल फ़ोन की बात करें तो एक डिसेंट सा एंट्री लेवल स्मार्टफोन है। जल्दी से हम इसके स्पेक्स को जान लेते हैं और फिर हम बात करेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स की। तो यार, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस। इसमें आपको देखने को मिलता है 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशो है 88.7%। बैक इसका प्लास्टिक का दिया गया है, बट बैक डिज़ाइन और कैमरा मॉड्यूल काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखते हैं। कैमराज की बात करें तो इसमें 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग कैमरा है। फ्रंट में 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। इसमें MediaTek का हीलियो G35 प्रोसेसर लगा है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है और ये 2GB रैम और 32GB स्टोरेज वेरिएंट में अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, ये थे Realme C11 के स्पेक्स, और अब बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रोज के बारे में। नंबर वन, डिज़ाइन जो इसका है बहुत ही यूनिक सा है, इंटरेस्टिंग है। कैमरा मॉड्यूल जो आप पीछे देखते हैं स्क्वायर साइज़ का 2020 स्टाइल वाला है, बिल्कुल अच्छा सा नज़र आता है। कैमरे से एक स्ट्राइप निकलता है जिसमें Realme ब्रांडिंग देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरे प्रोज की बात करें तो फेस अनलॉक का फीचर इसमें दिया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। थर्ड प्रोज के बारे में बात करें तो इसमें 5000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो कि आराम से आपको हैवी यूसेज के बाद भी 2 दिन का बैकअप दे देगी। फोर्थ प्रोज की बात करें तो इसमें जो कैमरा है वो काफ़ी डिसेंट दिया गया है। इस प्राइस रेंज में ये कैमरा काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे फोन्स के कुछ प्रोज। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके कॉन्स के बारे में। नंबर वन, इसमें कोई भी फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया गया है। अगर इसमें ये फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर होता तो काफ़ी अच्छा रहता। नंबर टू, प्लास्टिक बॉडी दी गई है, जो इस पर स्क्रैच है वो आसानी से आ सकते हैं, तो इसको आपको बैक कवर के साथ ही यूज़ करना पड़ेगा। थर्ड, हैवी गेम्स लाइक पबजी मोबाइल अगर आप इस पर खेलते हैं तो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं लगता, कुछ लैग इशू देखने को मिलता है। हाँ, अगर आप पबजी लाइट खेलते हैं इसमें तो परफॉर्मेंस ठीक दिखती है। फोर्थ, कई बार ऐप्स ओपनिंग में इसमें लैग दिखाई देता है, आप क्लिक करते हैं तो 1 सेकेंड बाद ऐप खुलती है, जो कि थोड़ा सा अनोइंग है। इसमें एक 10W का चार्जर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही नॉर्मल सा है। 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जर बहुत ही छोटा है। ये आपके फ़ोन को करीबन 2 से 3 घंटे ले लेगा फुल चार्ज करने में। नंबर सिक्स, इसमें जो सबसे बुरी बात देखने को मिली, इसमें जो चाइनीज़ ऐप बैन हो चुकी हैं वो प्री इंस्टॉल्ड थी, लाइक हेलो ऐप और क्लीन मास्टर। तो यार, ये थे Realme C11 के कुछ प्रोज एंड कॉन्स। आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। और हाँ, आप इस फ़ोन को ले सकते हैं एज़ अ बैकअप फ़ोन, क्योंकि इसमें जो परफॉर्मेंस है वो उतनी खास नहीं है। आप इसमें सोशल मीडिया आराम से एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हैं फीचर फ़ोन से स्मार्टफोन में, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों।